वहीं अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कन्नौज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अधिकारियों ने छापेमारी कर बालू से लदे 14 ओवरलोडिंग ट्रकों को पकड़ लिया है। छापेमारी के दौरान पकड़े गए लोग ट्रक में लदी बालू को कई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके चलते अपर जिलाधिकारी ने सभी ट्रकों को हिरासत में लेकर चालान का निर्देश दिया है। पुलिस की ओर से यह कार्रवाई सदर कोतवाली के मनीमाओ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई। टीम का नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और एआरटीओ और सदर सीओ की संयुक्त टीम ने की है। बहरहाल कन्नौज में अवैध खनन को लेकर ये बड़ी कार्रवाई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यूपी में अवैध खनन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को श्याम मिश्रा नाम का एक युवक अचानक सीएम योगी के काफिले से सामने कूद गया। श्याम ने सोनभद्र से बीजेपी के सदर विधायक, जिलाध्यक्ष पर अवैध खनन का आरोप लगाया था। ये खनन के जो ट्रक जा रहे थे, इन पे प्रॉपर कोई भी कागजात नहीं थे, जो चालान रहना चाहिए नियमानुसार, और ओवरलोड भी थे। तो इनको चेकिंग करा करके कार्रवाई की जा रही, धर्मकांटे वजन करा करके, और इन पे नियमानुसार खनन के संबंध में भी और ओवरलोडिंग के संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी में क्यों नहीं लग रहा अवैध खनन पर रोक? शनिवार को सीएम के काफिले के सामने आया एक युवा। कब रुकेगा अवैध खनन? तो सबसे बड़ा सवाल लगातार यही उठ रहा है कि यूपी में अवैध खनन पर रोक क्यों नहीं लग पाया।